दो पाए लेट है। वीके सिंह जी हमारे बीच हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ मंच की तरफ बढ़ते हुए तालियां बजाकर सम्मान करें भाई, जोर से तालियां, स्वागत है भाई, तालियां बजाकर सम्मान करें। हमारे बीच आज एक ऐसी महान हस्ती डॉक्टर साहब जनरल वीके सिंह जी, भारत सरकार मंत्री, आज के इस जन सम्मान समारोह कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। बोलिए भारत माता की, और जोर से ताकत लगा के बोलिए भारत माता की। आइए सर, स्वागत है राजस्थान की धरती पे, और निवेदन करता हूँ एक बार तालियां बजाकर सम्मान करें। जिनका काफी देर से इंतजार था हमारे बीच पहुंच चुके हैं, कोटि कोटि अभिवादन आपका। आइए आप सभी लोग बैठे, सभी लोग बैठेंगे और ये गैलरी खाली कर दें बिल्कुल, सभी लोग अपने अपने स्थान में बैठने का कष्ट करें। और गुलाब सिंह जी जो साथी हैं हमारे एमएच के, उनसे भी निवेदन है कि आप ही मंच के स्वीकृत करने का कष्ट करेंगे। बड़ा ही खुशनुमा मौसम और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के बीच आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें भाई, किसी का आपको इंतजार था। हमारे रघुवीर सिंह जी उनके जन्म दिवस के अवसर पर जन आशीर्वाद से महारो कार्यक्रम में कौन चाहता है, जो चाहता है वो एक बार दोनों हाथ उठा करके दिखा दीजिए मुझे और सारे पता चल जाते हैं। कौन भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी सरकार की। रघुवीर सिंह देखो ताली बजा के गंडन साहब को पता चलना चाहिए कि रघुवीर सिंह जी को कितना चाहते हो आप लोग। रघुवीर सिंह कंवर के साथ कमल खिलाएंगे,
साहब को भी और मैं रणवीर सिंह जी को भी, अगर आपने हाथ थाम ही लिया है जनरल साहब तो इस आज को छोड़ना है मत क्योंकि बड़े भरोसे से बुलाया है, बड़े भरोसे से इनके थाने वालों ने आपको बुलाया है। और मैं एक बार कहूंगा जनरल साहब से कि एक बार फिर से खड़े होकर के मैं इनका हाथ थाम करके बताए और आगे मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। जनरल वीके सिंह का इनको प्यार मिलता रहे, जनरल वीके सिंह का इनको प्यार मिलता रहे, रघुवीर सिंह कंवर की हमेशा जय जयकारी रहे, रघुवीर सिंह कंवर की हमेशा जय जयकारी रहे, जनरल वीके सिंह का इनको मिलता प्यार रहे, रघुवीर सिंह कंवर की हमेशा जय जयकारी रहे। अपनी चीज किसी को बताते हैं, वैसे मैं बाहर का नहीं हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं मेरे तार इस इलाके के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं मानकर चलता हूँ कि अगर आपका फायदा होगा, आपका आपकी देखभाल होगी तो वो रघुवीर सिंह जी जरूर करेंगे, इसकी मुझे पूरी आशा है। मैं एक का जो आज माहौल है उसके बारे में समझना जरूरी है, और माहौल क्या है, एक तरफ देश आगे बढ़ रहा है, पूरी दुनिया में आज अगर कोई आशा की किरण के रूप में देखा जाता है वो आपका देश है भारतवर्ष, पूरी दुनिया में जो हम तरक्की कर रहे हैं ऐसी तरक्की कोई नहीं कर रहा, और अगर आप पिछले 9 साल का लेखा जोखा देखें तो जहां आज हमारा देश पहुंचा है वहां पहुंचने के लिए कई देशों को